शेख, आज हम लोग जन्नत की पट्टी गए थे। एक बात सामने आई, हमारे साथ जो हाजी हैं एक रूम में, उन्होंने जन्नत की पट्टी की तरफ जा रहे थे ज़ियारत के लिए। बस उस वक्त वो दोनों हाथ से मिट्टी उठा ली, उठा के पॉकेट में रख ही रहे थे, कब्रिस्तान में जन्नत की पट्टी पॉकेट पॉकेट में रख रहे थे कि पुलिस पकड़ लिया और उससे मिट्टी हटवा दिया। बाद में हम लोग इस तरह से कब्रिस्तान की मिट्टी या जन्नतुल बकी की मिट्टी या तबरुक है या क्या है इसका, उनसे पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे थे मिट्टी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने कहा है कि वहाँ की मिट्टी लेकर के आइएगा, जो हवाई से तबरुक होता है। कि यहाँ की मिट्टी ले जाके अपने बुजुर्गों की जो वालिद वालदा की कब्र के ऊपर रखते हो। अच्छा, वो अपनी वालदा और वालदन की कब्र के ऊपर यहाँ की मिट्टी रखते हो। ये कब्रिस्तान की मिट्टी, जन्नतुल बकी की, जन्नतुल बकी की। हाँ, और कई लोग जो ऐहदनामा रखते हैं ना, उसके अंदर भी रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जन्नतुल बकी की जो मिट्टी है वो जन्नत की मिट्टी है। अच्छा, जो भाई ने बयान किया, मेरे एक बात समझ लीजिए कि किसी भी इंसान को अल्लाह के यहाँ काम आएगी, आखिरत में काम आएगी, उसका सही ईमान और सही अमल। क्या चीज़ काम आएगी? सही ईमान सही अमल। अगर सही ईमान है, सही अमल है, तो दुनिया में कहीं भी दफन हो जाए उसको वहाँ की मिट्टी काम आएगी। लेकिन अगर बेईमान है, बुरा ईमान है, बद अमल है, तो उसको मस्जिद नबी में दफन कर दो, या मदीने के कब्रिस्तान में दफन कर दो, या मक्के के कब्रिस्तान में दफन कर दो, उस मिट्टी से उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। यानी वहाँ थोड़ी मिट्टी नहीं, कोई आदमी थोड़ी मिट्टी ले जाता है और समझता है कि इसका फ़ायदा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ भी उसको दफन कर दें, जिसका ईमान अच्छा नहीं है, जिसका अमल अच्छा नहीं है, तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा उस मिट्टी से। क्यों? कि बकी कब्रिस्तान जो है, इसका पहले जहन में रखिए, इसका नाम जन्नतुल बकी नहीं है, इसका नाम है बकी कब्रिस्तान या अल बकीउल गरकद। जन्नतुल बकी नहीं कहना चाहिए। जन्नतुल बकी लोग इसलिए कहते हैं कि समझते हैं जो यहाँ दफन होगा सब जन्नती है, ऐसा नहीं है। तो ये बीच में बता दिया। तो आप जानते हैं कि अगर ईमान सही नहीं है, अमल सही नहीं है, तो बहुत सारे हैं जो इस बकी कब्रिस्तान में दफन है और फिर भी वो जहन्नमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फिद दर्क अस्फल मिनन नार। मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में है, निचले हिस्से में है। और मुनाफिकीन का सरदार जो मदीने में था, अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल उसका नाम है, ये मुनाफिकीन का सरदार था, वो इसी बकी कब्रिस्तान में दफन है। बकी कब्रिस्तान की पूरी मिट्टी उसको मिली है, थोड़ी मिट्टी नहीं, पूरी मिट्टी मिली, यानी वही दफन है। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिली उसको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक दिया गया उसको मरने के बाद उसको पहनाने के लिए, ये सारी चीज़ उसको मिली है। बकी कब्रिस्तान की मिट्टी भी मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ भी मिली, लेकिन ईमान ख़राब, अमल ख़राब, तो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में वो रहेगा। तो इसलिए इस तरह सोचना कि बकी कब्रिस्तान की थोड़ी सी मिट्टी लेके जाएं और ले जाकर घर में रखें या कब्र में रखें या कब्रिस्तान में रखें, उससे फ़ायदा मिलेगा, बरकत मिलेगा? नहीं। खैर, बरकत मिलेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत करने से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने से। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद में जो अहकाम नाजिल किए हैं, उस अहकाम पर अमल करने से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम या तालीमात दिए हैं, इरशादात फरमाया है, जो रास्ता दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस रास्ते पर चलने से बरकत मिलेगी। और दुनिया में कहीं भी दफन हो जाए, वो ज़मीन उसके लिए मुबारक बन जाएगी, बरकत वाली बन जाएगी, अल्लाह बना देगा। लेकिन बेईमान बद अमल है, मक्के में दफन हो, मदीने में दफन हो, या मक्के और मदीने की मिट्टी मिल जाए, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे? जैसा कि मैंने कहा कि अब्दुल्ला उबई इब्न सलूल मुनाफिकीन मुनाफिकों का सरदार था, इसी बकी कब्रिस्तान में दफन है, और बहुत सारे मुनाफिकीन दफन हैं, लेकिन फिर भी जहन्नमी है। तो इसलिए मेहनत इस पर करनी चाहिए कि हमारा ईमान सही हो,
اللہ کے حکم کے مطابق ہو, ہمارا عمل صحیح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, اس پر محنت کرنی چاہیے. اللہ توفیق عطا کرے.